मौसम समाचार में आपको बता दें कि इस साल फरवरी के महीने में लोगों ने गर्मी मई जैसी का एहसास किया। इसके चलते ये अनुमान लगाया गया था कि इस बार अधिक गर्मी पड़ेगी, लेकिन मार्च महीने के पहले पखवाड़े के बाद मौसम ने अचानक पलटी ले मारी। जहां एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही थी, वहीं एकदम हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आ गई। यूपी के कई हिस्सों में बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े। अब इन सब के बीच ये जानना जरूरी है कि आज आपको बता दें कि तापमान कैसा रहेगा। अगर आप यूपी के लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, अलीगढ़ और नोएडा शहर में रहते हैं तो आज कहीं जाने की योजना बना रहे हैं, तो ऐसे में आप बाहर निकलने से पहले अपने इलाके के बारे के मौसम में जरूर जान लीजिए। आपको बता दें, एक पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ा तो दूसरा तैयार हो गया। कल से आपको बता दें कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन फिर कल के बाद बूंदाबांदी होने का आसार है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ कल की रात से उत्तर प्रदेश को प्रभावित करना शुरू करेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, कल के बाद दो दिनों तक लगातार पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इसका असर देखने को मिलेगा। इस दौरान लखनऊ और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज कई जिलों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। अगर बात करें लखनऊ की, तो आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं यहां मुख्य तौर पर आज आसमान साफ रहने की संभावना है। वहीं अगर बात करें कानपुर की, तो आईएमडी के अनुसार आज कानपुर में आपको बता दें अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यहां पर भी आज आपको बता दें मुख्य तौर पर दोपहर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। रात तक आसमान में बादल छाने की यहां संभावना जताई गई है। आईएमडी के अनुसार आज गोरखपुर में आपको बता दें अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी रहेगा। यहाँ पर भी आज दोपहर तक आसमान साफ रहने की संभावना है। रात होते होते यहाँ भी मौसम में परिवर्तन होने की आशंका जताई गई है। आईएमडी के अनुसार आपको बता दें मेरठ में आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान आज 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यहाँ पर भी आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने, बारिश के साथ गरज के साथ बौछारें या फिर धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। अमावसी स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने एक नए पश्चिम क्षोभ के पनपने वाले प्रभाव को आज स्पष्ट कर दिया है। मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि दो दिनों के बीच आपको बताने के बीते कुछ समय पहले पश्चिम क्षोभ दो सक्रिय हुए थे। पूर्वा और पछुआ हवा से हवा के गर्म सर्द मेल की वजह से आंधी के साथ बारिश हुआ। इसके असर अब खत्म हो चुका है, लेकिन अब ईरान के आसपास मध्य क्षोभ मंडल में चक्रवाती स्थितियां बन रही हैं। इसकी वजह से कल को मौसम में फिर बदलाव होने का पूर्वानुमान है और इसका प्रभाव सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित हो जाएगा। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में एक और पश्चिम क्षोभ सक्रिय हो रहा है। इस वजह से कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि का फिर अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ की वजह से ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान है। इसके साथ ही मध्यम पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि व तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है।